हे गाइस, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं टेक टू सागर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे हमारे पीसी में या फिर लैपटॉप में आप कैसे आके अपना खुद का एक MySQL डाउनलोड करके इस्तेमाल करके आप सीख सकते हो, कैसे हम लोग आके डेटाबेस यूज करते हैं। एक सीरीज है गाइस, आपको ऊपर प्लेलिस्ट मिलता होगा। आप हम के जाके अलग अलग बिगनिंग में जो कुछ भी आपको सीखना पड़ता है आप आके सीख सकते हो उस SQL के सीरीज में। और आप आके इस वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप आके पीछे बैठ के आराम से इस वीडियो को देखिएगा गाइस, क्योंकि ज्यादा लंबा होगा ये वीडियो लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं अपने जो कुछ भी आपको ये डिफिकल्टीज होगा इंस्टॉल करने में वो सब कुछ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ज्यादा देर ना करते हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं गाइस। गाइस हम लोग आ गए हमारे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा डाउनलोड MySQL। मैंने पहले से सर्च करके रखा था तो आप भी ऐसे ही सर्च कीजिए तो पहले रिजल्ट आपको ये मिलेगा। देख लीजिए जो कुछ भी यहाँ पे है, देव MySQL.com, इसी पे आपको जाना पड़ेगा। चले गए, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर आप देख पा रहे होंगे dev.mysql अगर आएगा तभी आप वहाँ पे जाना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको MySQL.com पे छोड़ देगा। आपको डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाके आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। आप अगर मेरा जो कुछ भी स्टेप फॉलो कर रहे हो, अगर सही से कर रहे हो तो आपको ठीक से आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप आके कुछ भी और टाइप करके जा रहे हो तो आपको ऐसा कुछ सर्च करके आना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड, फिर कम्युनिटी, उसके बाद आपको जो फर्स्ट मिलेगा वहाँ पे आप उसे क्लिक करोगे। कम्युनिटी सर्वर जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया था पहले वही क्लिक कीजिए। वहाँ पे सेम टू सेम फॉलो कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विंडोज दिखा रहा है तो सही है, मुझे विंडोज का चाहिए। आप दूसरा भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि विंडोज 86 और 30 या विंडोज x86 दिखा रहा है, 32 GB वाला और 64 bits वाला, 32 और 64 bits वाला दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 274 MB का है और यहाँ पे दिखा रहा है 193। आपको नहीं जाना है वहाँ पे, आपको जाना है यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, गो टू माय डाउनलोड, वहाँ पे जाना है। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक अलग सा पेज दिखाई देगा, ये रहा। आप यहाँ से देखिए यहाँ पे भी सेम वही दिखा रहा है लेकिन ये वाला मेन है गाइस। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड पे जाना होगा। यहाँ पे आपको माय डाउनलोड नहीं दिखेगा पहले जैसा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक 16.3 MB का है, एक आके 313 MB का है। आप अगर 16 वाले पे जाओगे तो क्या होगा, तो आपको आपका नेट अच्छा होना चाहिए, आप आके ऑनलाइन कर सकते हो काम। अगर आप आके नेट अच्छा नहीं है, आप आके प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और है, दो है यहाँ पे डाउनलोड वर्जन। आप आके एक आके जो ऑनलाइन है वो भी कर सकते हो, एक आके ऑफलाइन। ऑफलाइन वाला मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप आके अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके कीजिएगा गाइस। ये देखिए 313 MB का है, आप जाइए जाके डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। आप मेरा सेम स्टेप फॉलो करके आप अपने पीसी पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बीइंग योर डाउनलोड करके यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको लॉगिन का पेज पहले से आपको पता है या फिर आप आके साइन अप करना चाहते हो। हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं करने गए, आप चाहे तो कर भी सकते हो लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड ये करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तो ऐसे करते हो तो हो गया। देखिए नीचे डाउनलोड दिखा रहा है, पहले से डाउनलोडिंग पे है गाइस। तो यहाँ पे हमारा वो जो पैकेज था वो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि रन करके, तो आपको रन एक्सेप्ट करना है। देखिए रन पे क्लिक कर देता हूँ मैं, तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। देखिए आ गया, थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेटअप होने के लिए। तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, उसका रन थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए हो गया, और फिर आप लोग इसे डाउनलोड करने के बाद यूज़ कर सकते हो। थोड़ा टाइम लेता है, आप देख लीजिए कैसे का मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, आपको भी सेम वैसे ही करना है। थोड़ा फाइल होगा वो सब कुछ डाउनलोड करना है, सेटअप करना है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद हो गया है, थोड़ा और करने का है। उसके बाद आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे कि आपको कैसा लाइसेंस चाहिए वो सब कुछ आपको सेटअप करना है। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको डेप्थ में सिखाऊंगा कैसे करना है ये। और देख ही पा रहे होंगे कि थोड़ा टाइम ले रहा है ये,
सिस्टम आके थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन आपको भी ऐसा अगर कुछ ये फेस करना पड़े तो आप थोड़ा वेट कीजिए गाइस, क्योंकि हर किसी के पास एक लेवल का कंप्यूटर होता नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद। एक बार मैं होम पेज में जाके रिफ्रेश कर ले तो हो सकता है कि कहीं पे स्टॉक हो गया होगा। तो गाइस रिफ्रेश करने के बाद थोड़ी देर आप रुकिए, आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा उसके लिए रुक रहा हो। देखिए आ गया, ये रहा इसका एक छोटा सा ये पेज जहाँ पे मैं एसक्यूएल इंस्टॉलर 1.4 दिखा रहा है आपको। यहाँ पे जाके ये कुछ अग्रीमेंट है, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन होता है सेम, आपको जाने आप चाहे तो पढ़ सकते हो, पढ़ के आप समझ सकते हो कि क्या लिखा है। नहीं तो आप मेरी तरह क्या कर सकते हो कि आप अग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप आके चाहे तो पढ़ भी सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे बेसिक पे रख रहा हूँ, डेवलपर डिफॉल्ट तो नेक्स्ट कर देते हैं। डेवलपर डिफॉल्ट तो कंप्यूटर अपने आप को सेट कर लेगा इसके मन मुताबिक। तो उसके बाद आप आके नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग उसे भी ये डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका नेट अगर है तो आप रुकिए थोड़ी देर वेट कीजिए। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको ये पेज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पेज बता रहा है कि कुछ फाइल्स है एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा तभी आपका ये एप्लीकेशन रन होगा। तो हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको कुछ कहीं सारे लिस्ट मिलेगा पैकेज का, वो पैकेज को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 100% तक। देखिए ये कुछ पैकेजेस है, इन सब पे पेंडिंग दिखा रहे हैं, आपको इन सबको कंप्लीटेड दिखाना है, मतलब वेट कीजिए, डाउनलोड होगा नेट से ही। और फिर आके आपको ऐसा गाइस कुछ देर बाद देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया, जो कुछ भी पेंडिंग था वो सब कुछ कंप्लीटेड हो गया। और हर एक ये बॉक्स के आगे आपको टिक मार्क देखने को मिल सकता है। ऐसे करने के बाद हमें आके फिर से नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लिक करने से वो दूसरा प्रोसीजर पे ये स्टेप इन होगा जहाँ पे हाँ देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। हम लोगों को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे रखना है, और हमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप आके क्लाइंट यूज़ करना चाहते हो, तो उसी हाँ हम लोग क्लाइंट यूज़ करना चाहते हैं। फिर हम लोग आके नेक्स्ट क्लिक करते हैं। जो कुछ भी आपका एसक्यूएल का कमांड होगा सब कुछ रन होगा गाइस। यहाँ पे फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लिक करते हैं। आप सेम टू सेम जो कुछ भी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम आप फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि रीसेट अ पासवर्ड, हम लोग रूट दे देते हैं पासवर्ड पे, क्योंकि आसान होता है याद रखने के लिए, तो हम लोग दे देते हैं। तो ये नीचे लिखा रहेगा कि वीक है, क्योंकि ये पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। देखिए पर होंगे कि वीक आ रहा है रेड कलर में, हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको दिखा रहा है कुछ कैसा फंक्शन काम होगा। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये, यहाँ पे आपको हर एक पे ये करना पड़ेगा, अपडेट हो रहा है हर एक चीज़ को, ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें दूसरे आके यहाँ पे नेक्स्ट करने का एक ऑप्शन आएगा। देखिए ये सब कुछ टिक मार्क हो गया सही, क्योंकि ये नेट चाहिए ऐसे, आपके बिना नेट के आप नहीं कर सकते सबको, हो गया। तो हम लोग आके फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद फिर से एक अलग सा पेज दिखा रहा है, यहाँ पे आपको बताएगा कि ये कहाँ पे जाके ये होगा सेट होगा, मतलब जो कुछ भी फाइल होगा कहाँ पे जाके स्टोर होगा। तो होने के बाद देखिए फिर से आपको पूछ रहा है कि एक पासवर्ड दीजिए, रूट हमारा यूज़र नेम है और पासवर्ड हमारा सेम ही रहेगा, रूट ही रहेगा। हम लोग अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो हम लोग आके रूट ही रखेंगे। जो पासवर्ड आपने दिया था पहले उसी पासवर्ड से आप आके इधर भी लिखिए। फिर हम लोग आके एक बार चेक करते हैं ये सही है या नहीं, अगर रॉन्ग हो गया तो बाद में हम लोगों को परेशानी फेस करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, चेक हाँ करेक्ट है, सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद सेव हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है चेकिंग, ये चेकिंग सब कुछ कंप्लीट होगा, ये दो भी आके ग्रीन होगा। देखिए एक ग्रीन हो गया, एक और का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए रनिंग स्क्रिप्ट दिखा रहा है, उसी को अब आके हरा रंग में कन्वर्ट करना है, वो होने के बाद हमारा फाइल करेक्ट होगा। देखिए हो गया, अब आके फिनिश पे क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद फिनिश हो गया, अब आके देखिए यहाँ पे चेंज लॉगिन सब कुछ दिखा रहा है, अब आके आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद ये आपको एक सेपरेट पेज दिखाएगा जहाँ पे आप आके नॉर्मली जैसे आप एसक्यूएल में लॉगिन होते हैं सेम उसी प्रकार दिखाएगा। देखिए हो गया, फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद देखिए
सेम टू सेम कैसे हम लोग आके डॉस दिखाते हैं सेम वैसे दिखा रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी माउस का काम नहीं रहेगा, यहाँ पे सब कुछ आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा डेटा। देखिए हो गया, अब हम लोग आके देखते हैं। देखिए ये हमारा डेटाबेस है, हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं, कुछ भी एक बनाते हैं, एक फाइल या डेटाबेस कुछ भी यहाँ पे आपको स्टोर मिलेगा। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आके सेव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। देखिए वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच, यहाँ पे आप जो कुछ भी काम करोगे सब कुछ सेफ रहेगा। और यहाँ पे पूछ रहे पासवर्ड, तो हम लोग दे देते हैं हमारा पासवर्ड। हो गया गाइस, आपके आप नॉर्मली अपना जैसा एसक्यूएल काम करते हो सेम उसी तरह से आप आके काम भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लाइंट बेस मिल जाएगा, आप आके स्टार्ट पे जाइए, आपको पता ही होगा। आप अगर रन पे जाके एसक्यूएल लिखते हो तो भी आपको मिल जाएगा। आप आके वहाँ से नॉर्मली जैसे आप अपने कंप्यूटर लैब में करते हो सेम उसी तरह।